नमस्कार, साई नमन वैसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ गणेश चिल्का। आज आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष भगवान टावरे जी के नेतृत्व में नए मुख्य कार्यालय का उद्घाटन महाराष्ट्र प्रदेश के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निरीक्षक नासिफ सिद्दीकी जी के हाथों से किया गया। इस नए मुख्य कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निरीक्षक नासिफ सिद्दीकी, भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष भगवान टावरे, महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव एडवोकेट यासीन मोमिन, जयमाला पाटिल, लक्ष्मीनारायण कोडम, सुनील पाटिल व आदि मान्यवर उपस्थित थे। भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष भगवान टावरे जी ने मुख्य अतिथिगण नासिफ सिद्दीकी जी को फूलों से स्वागत किया है। इस नए मुख्य कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मन से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता अपना पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्हें नासिफ सिद्दीकी जी के हाथों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया है और भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भगवान टावरे ने अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भिवंडी में मजबूत करने के लिए अपना टीम को बढ़ाया है। नासिफ सिद्दीकी जी के हाथों से नए पदभार सौंपे है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के निरीक्षक नासिफ सिद्दीकी जी पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि इस नए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य कार्यालय से भिवंडी के जनताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां से काम अध्यक्ष भगवान टावरे करेंगे और आने वाले दिनों में भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जमीनी मुद्दे जोड़कर मजबूत होगा। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भगवान टावरे जी ने कहा है कि दिन ब दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में युवा व दूसरे पार्टी के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। इससे आने वाले भिवंडी मनपा के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही महापौर बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक शुभ दिन है कि एक बहुत अच्छा सुंदर कार्यालय हमारे जिला अध्यक्ष भगवान टावरे की प्रयत्नों से और उनके साथियों की कोशिशों से एक बड़ा कार्यालय जो है वो यहाँ आज उन्होंने प्राप्त किया है। हमारे हाथों से आज उसका उद्घाटन हुआ है, क्योंकि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक काम को करने के लिए एक कार्यालय और स्थल की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जगह जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, भिवंडी की समस्या को छुड़ाएगा और भिवंडी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भविष्य को उज्जवल बनाए। देखिए, पिछले दिनों चूंकि भिवंडी में चुनाव जो है वो पैनल के ज़रिए हुए थे, इसलिए हमारी शक्ति होने के बावजूद भी हम कुछ सीटें जीत नहीं पाए थे। लेकिन सीटें ना जीत पाना इसका अर्थ कभी नहीं होता है कि हमारी शक्ति कम होती है। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का काम करते हैं, आज जो अघाड़ी की सरकार है हमारी, लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गठबंधन सरकार में जनता के हितों का सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है, जनता के चाहे वो एग्रीकल्चर का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, लेबर का मामला हो, तो माननीय शरद पवार साहब जो है उनकी कोशिश सबसे ज़्यादा है। और इन्हीं तमाम बातों का हमारे लोकल स्तर पर भी जो हमारे लीडर हैं, यासीन मोमिन साहब हैं, भगवान टावरे हैं, जयमाला हैं, महिला अध्यक्ष हैं, युवक अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों में विश्वास बढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिन जो है वो बहुत मंगलमय होंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस। आज जो कार्यालय का राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यालय का ओपनिंग हुआ है, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे जो निरीक्षक है नसीम सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रख के, पवार साहब ने हमारे ऊपर विश्वास रख के जो राष्ट्रवादी पार्टी बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दिया है और उस पार्टी का जो शानदार आज ऑफिस का ओपनिंग हुआ है नसीम सिद्दीकी साहब से, तो आने वाला जो वक्त रहेगा भिवंडी शहर का, भिवंडी शहर में विकास कैसा होएगा, इसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि भिवंडी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा निधि आए। हम पवार साहब के साथ में मिलकर, हमारे अजीत दादा पवार साहब हैं उनको कहकर और हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है जयंत पाटिल साहब, वो सभी कार्यकर्ता का सुनते हैं और वहाँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है लोगों का समस्या जो है वो रखने का हम लोग को पूरा मौका देते हैं। मैं आने वाला वक्त जो रहेगा ये भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी का रहेगा, बहुत से नगर सेवक जुड़ने वाले हैं। आज ही
बीजेपी, शिवसेना और एमआईएम के और समाजवादी के जो कार्यकर्ता थे वो आज हमारे पार्टी से जुड़े हैं। मैं मेरे जो सहकारी है, जो सेल है और मेरे पदाधिकारी है, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो भिवंडी शहर में काम करने का पूरा मौका ढूंढ रहे और काम करते आ रहे, इसके लिए लोग आज जुड़ रहे हमारे से। जिस तरह से यूपी में जो हादसा, उसके बारे में क्या कहना है? बहुत निंदनीय है, सरकार को सख्त सख्त एक्शन लेना चाहिए। देश की सारी बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए, वो दलित की बेटी हो या और किसी समाज की बेटी हो। योगी सरकार को गंभीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। यूपी में जंगल राज चल रहा है, जहां राम राज्य की बात है, जंगल राज को ख़त्म करना चाहिए।